अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जमाल MJH स्टूडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त अब आप ठीक होंगे। सऊदी अरब के हवाले से एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूं। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है ये आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले एक सवाल पर मबनी है। काफ़ी ज़्यादा दोस्त कमेंट वगैरह करके मैसेज करके ये सवाल पूछते हैं कि अगर इकामा ख़त्म हो जाए तो क्या फ़ाइनल एग्ज़िट लग सकता है या नहीं लग सकता, या इकामा ख़त्म हो जाए तो छुट्टी लग सकती है या नहीं लग सकती। एक तो ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल जो दोस्त पूछते हैं वो ये है कि छुट्टी पर अगर कोई भी बंदा सऊदी अरब से एग्जिट री एंट्री वीज़ा पर छुट्टी जाता है और वो फिर वापस नहीं आता तो क्या कंपनी या कफील उसको दोबारा उसी वीज़े पर अपने पास बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते। एक ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन्हीं दोनों सवालों का जवाब देने जा रहा हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी इस हवाले से अपडेटेड रह सकें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सवाल नंबर एक पर कि अगर इकामा ख़त्म हो गया है तो छुट्टी या फाइनल एग्जिट जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो दोस्तों इसका सादा और बिल्कुल क्लियर जवाब ये है कि अगर आपका इकामा ख़त्म हो गया है तो आप ना छुट्टी जा सकते हैं और ना ही आपका खुरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट लग सकता है। इसकी वजह क्या है कि जैसे ही आपका इकामा एक्सपायर होता है, ख़त्म होता है, तो आप सऊदी अरब के अंदर इलीगल हो जाते हैं। कोई भी ऐसा आदमी जो इलीगल हो सकता है उसका लीगल काम यानी कि ना ही फाइनल एग्जिट लग सकता है और ना ही उसकी छुट्टी लग सकती है। अब आते हैं सवाल नंबर दो की तरफ कि अगर छुट्टी गए हैं और वापस नहीं आते तो फिर दोबारा सऊदी अरब उसी वीज़े पर कैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों इसकी दो शरायत हैं जिनकी बुनियाद पर आपका कफील या कंपनी आपको दोबारा उसी वीज़े पर वापस बुला सकती है। पहली बात तो ये है कि कंपनी या कफील जो है वो आपका इस बात पर रजामंद हो कि आपको दोबारा सऊदी अरब के अंदर वापस बुलाए, और दूसरी बात जो इसके अंदर आती है वो ये है कि आपकी छुट्टी को ख़त्म हुए हुए 7 माह से ज़्यादा का टाइम ना गुजर चुका हो। यानी कि अगर 7 माह से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका हो तो फिर कंपनी या कफील किसी भी सूरत आपको वापस नहीं बुला सकते। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपके वापस आने के लिए वो है आपका इकामा। अगर तो आपका इकामा वैलिड है, वो एक्सपायर नहीं हुआ, उसकी अभी डेट बाकी है, तो फिर ही आपकी कंपनी या कफील आपको वापस बुला सकता है। लेकिन अगर आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है, उसकी डेट गुजर चुकी है, तो फिर आपको आपकी कंपनी या कफील किसी भी सूरत वापस नहीं बुला सकते। यानी कि आपका इकामा जो है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे, आपका इकामा भी एक्सपायर नहीं है, आपका कंपनी और कफील भी इस बात पर रजामंद है कि आपको वापस बुलाया जाए, तो वो किस तरह आपको वापस बुला सकते हैं। तो उसका तरीकाकार ये होगा कि कंपनी या कफील या कंपनी का कोई भी मंदूब एक फार्म लेकर जवाजात जाएंगे। जवाजात के अंदर जाकर वो उस फार्म की कुछ फीस होती है वो पे करेंगे और जवाजात वालों को बताएंगे कि हम इस बंदे को वापस अपने मुल्क के अंदर बुलाना चाहते हैं, अपने शिरके के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर वापस बुलाना चाहते हैं। तो जवाजात जो है उसकी इजाज़त देगा और उस फॉर्म को ऊपर स्टैंप वगैरह लगा के देगा। अब उस फॉर्म को लेकर आपकी कंपनी या कफील या उसका मंदूब जो भी है वो आपको गुरफा तिजारिया यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स उस फॉर्म का करवाएगा। उस फॉर्म का चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाने के बाद, गुरफा तिजारिया की स्टैंप लगवाने के बाद, वो आपको फॉर्म आपके मुल्क के अंदर भेजेंगे। आपके मुल्क के अंदर जब आपको वो फॉर्म भेजेंगे तो आपने वो फॉर्म लेकर अपने मुल्क के अंदर जो सऊदीया की एम्बेसी है वहाँ पर चले जाना है। जब आप एम्बेसी के अंदर जाएंगे उस फॉर्म को लेकर, तो वो एम्बेसी उस फॉर्म को देखने के बाद आपको दोबारा एग्जिट री एंट्री इशू करेगी। जब आपको एग्जिट री एंट्री दोबारा इशू हो जाएगी तो फिर आप उस एग्जिट री एंट्री की बुनियाद पर वापस सऊदी अरब दोबारा जा सकते हैं। तो दोस्तों एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि जब आपको दोबारा से सऊदी अरब की एग्जिट री एंट्री वीज़ा इशू होगा तो उसको उसके 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपको सफ़र करना होता है और वापस सऊदी अरब जाना होता है। इस हवाले से जैसे ही आपका ये प्रोसेस कम्प्लीट हो तो आपने टिकट वगैरह अपनी रेडी रखनी है ताकि ऐसे ना हो कि दोबारा से आपकी एग्जिट री एंट्री एक्सपायर हो जाए। अगर दोबारा एक्सपायर होगी तो आप फिर दोबारा वापस कभी भी नहीं जा सकते, आपको 3 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपके पूछे जाने वाले सवालात का जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने सवालात का जवाब मिल गया होगा। अगर फिर भी किसी भाई की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके उसका अपना सवाल पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका तसल्लीबख्श जवाब दे दूं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मालूमती वीडियोज़ आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का शुक्रिया।